यार दोस्तों, अगर आप करते हैं कार को ड्राइव, अगर कभी ना कभी आपने की होगी किसी ना किसी कार को ड्राइव, लेकिन दोस्तों ऐसे में आता ना सवाल निकल के यहाँ पर सेफ्टी का, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न है और दोस्तों इसको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ में आ गई हमारे पास सामने निकल के एक टेक्नोलॉजी जिसको हमने नाम यहाँ पर सिंपली दे दिया लेन डिपर्चर वार्निंग सिस्टम का। तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए, मैं आपसे आज बात करूंगा इसी सिस्टम के बारे में और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये सिस्टम किस तरीके से हमें अपनी डायरेक्शन तक पहुंचा देता है, वो भी एकदम सेफ्टी के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर इस सिस्टम के बारे में, तो बेसिकली यार यहाँ पर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो तो दिया था हमारे पास BMW और टेस्ला ने मिलकर, लेकिन दोस्तों ऐसे में आपके पास आने वाली रिसर्च या फिर आने वाले सालों में कुछ इसके ऊपर हो गई कमाल कमाल वाली रिसर्च, और दोस्तों ऐसे में ये हमारे पास काफी ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ में मार्केट के अंदर लॉन्च हो गया अलग अलग टेस्ला की या फिर हमारे पास BMW के मॉडल्स में। अब दोस्तों ऐसे में ये जो सिस्टम है बेसिकली ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोलूंगा इसको, लेकिन ये काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर स्मार्ट जरूर है। अब दोस्तों ऐसे में ये काफी ज्यादा एफिशिएंटली जो है हमें यहाँ पर काम करके दिखा देता है। और दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर कार ड्राइविंग की, तो ओवरऑल सारे लोग जो है वो कार को तो ड्राइव करते ही हैं, लेकिन यार ऐसे में सिर्फ कार को ड्राइव करना यहाँ पर काफी नहीं होता, ऐसे में जो है आपको यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स भी जो है वो यहाँ पर लेने पड़ते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये जो हमारे पास सिस्टम निकल के आता है ये ह्यूमन की जो कंप्लीट सेफ्टी है उसका ध्यान कंप्लीट तरीके से रख देता है और दोस्तों पहुंचा देता है हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक, वो भी एकदम सिक्योर तरीके से। अब दोस्तों ये जो सिस्टम है बेसिकली इसका नाम होता है हमारे पास यहाँ पर लेन डिपर्चर वार्निंग सिस्टम, और दोस्तों ये सिस्टम काफी ज्यादा कमाल के, और इसी सिस्टम को हम लोग लेते हैं BMW या फिर टेस्ला के मॉडल्स में। और आजकल जो आपके पास नए मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर आपके पास अलग अलग जो है वो फीचर्स देखने को मिलते हैं उन कार्स के अंदर, उनके अंदर भी जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और दोस्तों ऐसे में ये हमारे पास अलग अलग फीचर्स के साथ में जो है ये देखने को मिलता है और ये ओवरऑल हमें काफी अच्छे एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है किसी भी कार को ड्राइव करने का, जिसके अंदर फीचर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों ये सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा कमाल का, और इसी के अंदर हम लोग अपनी जो कंप्लीट सेफ्टी है उसको मेंटेन करके पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक, यानी पहुंच जाते हैं अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक, और वो भी एकदम सेफ्टी के साथ में। अब दोस्तों इसका जो काम है ना वो बेसिकली इस तरीके का है कि आपके पास अगर बात करते हैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम की, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, दोस्तों अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर मैंने आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में जो है वो यहाँ पर कंप्लीट गाइड कर दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं यार इस लेन अपर्चर वार्निंग सिस्टम के बारे में, और दोस्तों हम ये जानते हैं कि बेसिकली ये सिस्टम जो है वो आखिर यहाँ पर काम करता कैसे है। अब दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि यार यहाँ पर जो सेफ्टी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप यहां पर करते हो ड्राइव, क्योंकि आपकी कार के अलावा यहां पर जो कंप्लीट आपके रोड्स या फिर कंप्लीट आपके जो लेन्स हैं उनके अंदर और बहुत सारी कार्स जो हैं वो यहां पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। अब ऐसे में आपको यहां पर कंप्लीट ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी कार जो है वो कभी भी किसी की भी कार के साथ जो है वो यहां पर क्रैश ना कर जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यार हमने इस सिस्टम को जो है वो यहां पर लेकर आ गए, और दोस्तों ये सिस्टम जो है हमारी हेल्प करता है हमारी लेन को मेंटेन करने में, यानी कि हम जो है जिस लेन के अंदर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो है हमें ये यहाँ पर जो है वो फिक्स कर देता है, यानी कि हम अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या डायरेक्शन होगी बैकवर्ड या फिर होगी फॉरवर्ड, तो दोस्तों ये हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से जो है हमारी लेन को जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता है। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हमारी जो कंप्लीट लेन होती है उनके अंदर हमारा जो बेसिकली रोड है वो तीन लेन्स में डिवाइड होता है। अब लेन के अंदर जो है वो अलग अलग स्ट्रिप्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब वो जो स्टिपेट्स है दोस्तों वो स्टिपेट्स को एक कैमरा होता है जो कि कैप्चर करता है। आपकी कार का जो रियर जो बेसिकली रियर व्यू मिरर है उस रियर व्यू मिरर के ऊपर जो है एक लगा होता है कैमरा, और दोस्तों वहां पर उस विंडशील्ड के ऊपर जो कैमरा होता है वो आपके जो कंप्लीट लेंस है उन लेंस की जो आपके पास स्ट्रिप्स होती हैं उनको कैप्चर करता है आपकी कार की ड्राइविंग के टाइम पे। अब दोस्तों क्योंकि वो ड्राइविंग के टाइम पे जो है वो कैप्चर करता रहेगा, और दोस्तों ऐसे में आपकी जो लेंस है उनको मेंटेन करता रहेगा। और दोस्तों इसके अंदर इन सेंसर्स के अलावा, यानी कि जो कैमरा है इसके अलावा दो अलग अलग सेंसर्स को काम में लिया जाता है, जिसमें आपके पास बात करता हूँ सोनार सिस्टम की और आपसे बात करता हूँ यहाँ पर रडार सिस्टम की। अब दोस्तों इन दोनों का काम क्या है ये हम जरा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों जो सोनार वेव्स होती है वो बेसिकली साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती है, यानी कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ही दूर से अगर कोई साउंड वेव आती है तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमंस की होती है सुनने की कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो ऐसे में इन सोनार सिस्टम्स को जो है वो यहाँ पर काम में लिया जाता है, और ये लगे होते हैं आपकी जो कंप्लीट बाउंड्स है उनके नीचे, यानी कि जो आपके जो आपका बेसिकली कार है उस कार का जो बिहाइंड होता है उसके नीचे जो है आपके पास ये सेंसर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों इनको यहाँ पर यूज किया जाता है इसलिए कि अगर मान लो कि कोई कार जो है
है वो पीछे से अगर आएगी दोस्तों आपको जो है वो साउंड सुनाई ना भी दे, लेकिन ये जो सेंसर है बेसिकली जो सोनार सेंसर है या फिर सोनार सिस्टम है ये क्या करेगा, ये उन वेव्स को जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कैच कर लेगा। और दोस्तों ऐसे में कैच करने के बाद में डिटेक्ट करने के बाद में इजीली आपको जो है वो एक बीप मिल जाएगी, यानी कि आपको जो है वो अलर्ट मैसेज मिल जाएगा या फिर अलर्ट जो बीप है वो आपको मिल जाएगी। और वो बीप आपको मिलेगी तो उससे आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरे पीछे भी कोई व्हीकल यहाँ पर मेरे साथ में आ रहा है। तो ऐसे में आपको जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है अपनी कार को यहाँ पर कंप्लीट हैंडल करना है और किस तरीके से आपको जो है वो कंप्लीट सेफली ड्राइव करते रहना है। अब दोस्तों इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दूसरे सेंसर की जो कि आता है हमारे पास यहाँ पर निकल के रडार सेंसर। अब दोस्तों रडार सेंसर को हम लोग भी जानते हैं कि रडार सेंसर जो है वो बेसिकली यहाँ पर साउंड को तो जो है वो स्टोर करने काम में लेते, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ काफी ज्यादा दूर पर किसी ऑब्जेक्ट के आने की इंडिकेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो है आप यहाँ पर रडार सिस्टम्स को काम में लेते हो। मतलब मान लो कि आपके मान लो बहुत ही दूर कोई कार आ रही है, आने वाली है, आप तक पहुंचने वाली है, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी उसके साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि जो हमारे ह्यूमन ईयर होते हैं वो इतनी दूर वाली साउंड को, यानी कि जो वो साउंड वेव्स जो कि काफ़ी दूर है उनकी आवाज़ हम यहाँ पर नहीं सुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों रडार सिस्टम जो है वो उनकी साउंड को सुन सकते हैं, यानी कि दूर से आने वाले साउंड वेव्स, दूर से आने वाले साउंड सिग्नल्स को रडार वेव्स जो है वहाँ पर डिटेक्ट कर लेती हूँ। दोस्तों हमें जो है वो एकदम प्रोएक्टिवली जो है वो बता देती है, यानी कि पहले से इंडिकेशन प्रोवाइड कर देती है, पहले से जो है वो मैसेज प्रोवाइड कर देती है कि आप जो है वो यहाँ पर सेफली ड्राइव कर लो, क्योंकि आपके इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे जो है वो आपके पास कोई व्हीकल जो है वो यहाँ पर आने वाला है, वो आपसे या फिर आपकी कार से या फिर आपके व्हीकल से जो है वो इतना दूर है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो इतना आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है आपके व्हीकल से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और दोस्तों ये सेंसर जो है ये कोई ओवरऑल आपके पास एकदम माइनर सेंसर नहीं बोलेंगे, इनको काफी ज्यादा कमाल के सेंसर बोलेंगे, क्योंकि ये जो है ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और दोस्तों ऐसे में इनके साथ अगर आप यहाँ पर कार को ड्राइव करते हो तो ओवरऑल यार सेफ्टी तो काफी ज्यादा मेंटेन रहेगी। और दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो फ्रंट लाइट्स होती हैं बेसिकली उनके बारे में और जो बैक लाइट्स होती हैं उनके बारे में। अब दोस्तों जो आपकी फ्रंट लाइट्स होती हैं बेसिकली वो आपकी लेन कीपिंग के लिए काम में ली जाती है, यानी कि आपकी जो लेन्स होती हैं अगर मान लो कि आप अपने लेन से बाहर जाने की कोशिश करोगे तो आपको एक इमरजेंसी मैसेज मिलेगा, यानी कि एक अलर्ट मिल जाएगा और आपके कार के अंदर लगा डिस्प्ले जो है वो जो कि आपकी बेसिकली जो पीछे लगा कैमरा है वो कैमरा जो है वो आपकी डिस्प्ले पर शो करेगा, यानी कि वो जो भी आपके पीछे ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो भी आपके पीछे व्हीकल्स होंगे उन व्हीकल्स को आपके डिस्प्ले पर जो कि आपकी कार के अंदर प्रेजेंट है उनमें शो कर देगा। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी लेन को क्रॉस करना चाहते हो, लेन को आप जो है वो यहाँ पर छोड़ने की कोशिश करते हो, फिर लेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों ऐसे में आपको यहाँ पर अलर्ट मैसेज मिलेगा। और दोस्तों वो मैसेज जो है वो आपको वाइब्रेशन की फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी कार सीट्स के ऊपर और आपका जो स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में आप जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने जो है यहाँ पर कंप्लीट जो आपकी साइड लाइट्स होती हैं उनको आपने जो है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं कर रखा है, फिर आपने जो उनको ऑन ही नहीं किया आपकी लेन को चेंज करते टाइम पे। अब क्योंकि लेन को चेंज करने से पहले आपको जो है आपकी जो बेसिकली साइड लाइट्स होती हैं जो कि लेफ्ट पर राइट पर प्रेजेंट होती है और आपकी जो बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं उनको आपको यहाँ पर ऑन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर अपनी लेन को चेंज कर रहे हो तो ऐसे में आपके पास जो कंप्लीट बाद में आने वाले व्हीकल्स हैं उनको ईजिली पता चल जाए कि आप जो यहाँ पर अपनी लेन को चेंज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो भी अपने आप को यहां पर मैनेज कर लें। सिस्टम यहां पर काम में लिया जाता है अलग अलग व्हीकल्स के अंदर, जो कि आपके पास टेस्ला या फिर जो आपके पास BMW के अलग अलग जो कार के नए मॉडल्स आ रहे हैं उनके अंदर सिस्टम को काम में लिया जाता है। और ओवरऑल यार मैं आपको बता चुका हूँ सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा कमाल का है और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है और ओवरऑल जो ड्राइवर का एक्सपीरियंस होता है वो काफी ज्यादा कमाल का रहता है। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी लेन डिपर्चर वार्निंग सिस्टम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, stay blessed, stay inspired.